नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल स्मार्ट टेक में। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं BLA यानी कि CSC पोर्टल जिन लोगों ने ले रखा है और टैली सेंटर के बारे में नहीं जानते हैं, टैली सेंटर प्योर कोर्सेज के बारे में नहीं जानते हैं, उसके बारे में आज आपको पूरी जानकारी देने वाले हैं और किस तरीके से आपको रजिस्ट्रेशन करना है और टैली सेंटर इंटर प्योर के माध्यम से क्या क्या बेनिफिट आपको होंगे और एक किस लिए जरूरी है, इस चीज को भी मैं आज आपके सामने क्लियर करूंगा। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं वीडियो की, और वीडियो की शुरुआत करने से पहले हर बार की तरह इस बार भी प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि मैं यहां पर ऑनलाइन फॉर्म्स और एजुकेशन से संबंधित वीडियो अपलोड करता रहता हूं। तो चलिए दोस्तों शुरुआत करते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो मैं यहां पर क्लियर कर दूं कि यहां पर आज से करीब 6 महीने पहले अगर देखा जाए तो टैली सेंटर इंटर प्योर के लिए अगर आप रजिस्ट्रेशन करते थे CSC के माध्यम से, अगर आप एक BLA हो CSC पोर्टल लिए हो और रजिस्ट्रेशन करते थे, उसकी फीस लगभग 1100 के आसपास रहा करती थी, लेकिन उसके बाद इसकी फीस 590 कर दी गई थी। लेकिन अभी करंट में अप्रैल के सीजन में अप्रैल 2020 में यहां पर इसका रजिस्ट्रेशन फ्री हो रहा है। जहां तक मुझे जानकारी है इसका रजिस्ट्रेशन 7 अप्रैल तक फ्री रहेगा। अगर आप करना चाहते हो और अगर आपने CSC का पोर्टल ले रखा है तो मेरे हिसाब से जरूर इसका रजिस्ट्रेशन कर लीजिएगा, क्योंकि इससे अच्छी सर्विस आपको दोबारा नहीं मिलने वाली है, ठीक है ना। तो अभी टोटली ये फ्री है, किसी भी तरह का आपका चार्ज नहीं लगेगा, इसीलिए जरूर इस रजिस्ट्रेशन को कीजिएगा। अब यहाँ पर इस रजिस्ट्रेशन से हमें प्रॉफिट क्या है वो जाने लेते हैं। देखिए, अगर आप इस BLE रजिस्ट्रेशन को करते हो, टैली सेंटर इंटरप्योर कोर्सेज को करते हो, तो इसके थ्रू CSC में जितनी भी लेटेस्ट सर्विस आने वाली है तो आपको प्राथमिकता दी जाएगी उन सर्विसेज को यूज करने के लिए, और आपका एक बेहतर CSC सेंटर खोलने में CSC अथॉरिटी आपकी मदद करेगी। अगर आप इस कोर्स को करते हो तो आपका एक छोटा सा एग्जाम भी रहेगा जो कि नाम मात्र के लिए रहेगा। एग्जाम के बाद आपको एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा, जो भी आपके एरिया वाइज सुपरवाइजर होंगे उनके माध्यम से आपका एक आपका ऑनलाइन एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है ना। तो आपको उसके बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा, टैली सेंटर के माध्यम से आपको एक सर्टिफिकेट मिलेगा। उस सर्टिफिकेट के अनुसार ही आप CSC की अधिकांश सेवाएं जैसे कि e-गवर्नेंस, GST, रिटर्न वगैरह कुछ ऐसी सर्विसेज आप बेफिक्र होकर अच्छे तरीके से यूज कर सकोगे, और आपको जितनी भी नई सर्विसेज आती हैं उसके लिए आपको प्राथमिकता दी जाएगी। तो चलिए दोस्तों आगे देखते हैं किस तरीके से इसका रजिस्ट्रेशन करना है। तो यहाँ पर सबसे पहले तो आपको अपना ब्राउजर ओपन कर लेना है। ब्राउजर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको सिंपली यहाँ पर गूगल पर आपको CSC डिजिटल सेवा पोर्टल लिखकर सर्च कर देना है। जैसे ही आप यहाँ पर CSC डिजिटल सेवा पोर्टल लिखकर सर्च करोगे तो पहली लिंक आ जाएगी गूगल पर। यहाँ पर सिंपली आपको पहली लिंक ओपन कर लेनी है। तो यहाँ पर सिंपली आपको अपने CSC के ID पासवर्ड से लॉग इन हो जाना है, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर लॉगिन हो जाना है अपनी CSC ID के माध्यम से। अब इसके बाद यहाँ पर आपको सर्विसेज में आ जाना है। सर्विसेज में आने के बाद सिंपली आपको यहाँ पर सर्च बार में जाना है। सर्च बार में आपको टाइप कर देना है टैली सेंटर। यहाँ पर सर्च में सर्च कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर ऑटोमेटिकली यहाँ पर आइकॉन देखने लगेगा टैली सेंटर इंटर प्योर कोर्सेस, टैली सेंटर इंटरप्योर कोर्सेज। तो मैं यहाँ पर क्लिक हेयर पर क्लिक किए देता हूँ तो यहाँ पर एक नया टैब ओपन हो जाएगा। जैसे ही यहाँ पर एक नया टैब ओपन होगा तो यहाँ पर लॉग इन विथ अस का एक ऑप्शन लिखा दिखेगा। सिंपली यहाँ पर लॉग इन विथ अस पर क्लिक किए देते हैं तो यहाँ पर आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेंगे। पहला रहेगा आपका लॉग इन अस आर यूज कमिंग अप, यानी कि ये पब्लिक यूज के लिए, लेकिन अभी इसे कमिंग अप पर लिखा आ रहा है तो यहाँ पर सिर्फ इसे CSC वाले ही इसे यूज कर सकते हैं। और यहाँ पर अगर आपका CSC का पोर्टल है तो आप इसे बेधड़क यूज कर सकते हो, लेकिन इससे पहले आपको एक छोटा सा रजिस्ट्रेशन करना होगा। 8-10 लाइन का एक फॉर्म फिलअप करना होगा जिसके अंतर्गत आपको सिर्फ अपना नाम, ईमेल आईडी, मोबाइल नंबर वगैरह और एक 50 KB से कम की एक फोटो अपलोड करनी है, और उसके बाद सबमिट बटन पर क्लिक कर देना है तो आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो जाएगा। और यहाँ पर दोबारा से लॉग इन कर देना है, ठीक है ना। लॉग इन करने के लिए उसी CSC आईडी पासवर्ड को आपको डालना पड़ेगा। जैसे ही आप डालोगे तो कुछ इस तरीके से आईडी आपकी लॉगिन हो जाएगी। यहां पर देखिए, अगर आप ज्यादा जानकारी देखना चाहते हो तो असेसमेंट में जाकर यहां पर क्लिक कर सकते हो, और यहां पर वीडियोस वगैरह कुछ दी गई हैं जिन्हें आप देख सकते हो, और
ये जो आपकी टैली सेंटर की आईडी होती है, ये जो सर्टिफिकेट होता है, इससे आपको क्या क्या बेनिफिट होंगे और क्या क्या लाभ होंगे, सारी सारी डिटेल्स आपको इन्हीं पीडीएफ फाइल और इन्हीं वीडियोस में आपको देखने को मिल जाएगी। यहाँ पर कुछ आपको फंडामेंटल ऑफ टैली सेंटर की पीडीएफ लर्निंग कोर्सेस देखने को मिल जाते हैं, जैसे आप पढ़कर पूरे पूरे सीएससी पोर्टल को समझ सकते हो और आगे की जितनी भी ट्रेनिंग वगैरह प्रोसेस होती है, जितनी भी तरह के मार्गदर्शन सीएससी द्वारा आपको प्रोवाइड कराए जाते हैं, वो पूरी की पूरी आपको इसी टैली सेंटर के माध्यम से देखने को मिलते रहेंगे, ठीक है ना। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको समझ आ ही गया होगा कि ये टैली सेंटर आखिर है क्या और इसे किस तरीके से यूज करना है, और अगर आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम आती है या फिर आपके दिमाग में किसी भी तरह का सवाल रहता है तो आप मुझे वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपके सभी सवालों का जवाब दे सकूं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।